ये स्टूडेंट्स द मसल फैटीग हैज फिजियोलॉजिकल कॉजेस दिस फैटीग कैन अकर इन द्यूरो मस्कुलर जंक्शन और एनी ऑफ अदर कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ द मसल्स जो भी कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व मसल्स के एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी लेवल पर फैटीक हो सकती है वी शल डिस्कस फ्यू ऑफ द रीजन्स आर कॉजेज ऑफ मसल फैटिक फर्स्ट वी शल डिस्कस के न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है मुसलसल एक्टिविटी की वजह से वो ट्रांसमिशन मुतासर होती है क्योंकि जब प्रोलोंग एक्टिविटी रहती है तो एज ए रिजल्ट नर्व uh, इम्पल्स की ट्रांसमिशन डिमिनिश डिमिनिश आर स्लो हो जाती है दिस बिकॉज़ ऑफ आइन इम्बेलेंसेज हैपनिंग ड्यू टू दि एज ए रिजल्ट इंपेरमेंट ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन आकर्स तो जब इम्बेलेंसेज ऑफ आइंस होते हैं तो उसके नतीजे में मैमब्रेन की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है और एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स की कंडक्शन और ट्रांसमिशन स्लो और डिमिनिश हो जाती है डियर स्टूडेंट्स ये जो आयन इम्बेलेंसेज होते हैं दे हैपन बिकॉज ऑफ इम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप सोडियम पोटाशियम पंप की फंक्शनिंग इसलिए मुतासर होती है कि सोडियम पोटाशियम Ya calcium ion channels inactivate or insensitive ho jate If this is the cause of muscle fatigue, then there is a quick recovery within 30 minutes. Dear students, another physiological cause of muscle fatigue is the interruption in excitation-contraction coupling.

ये स्टूडेंट इन थ्री मेजर काजिस के अलावा अदर फैटिक कंट्रीब्यूटर्स में जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं एकूमोलेशन ऑफ इनआरगेनिक फॉस्फेट्स इन मसल्स देन एकुमोलेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस जिसे हम मेटाबोलिक uh, एसिडोसिस कहते हैं जो के सेल के और मसल सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं इसके अलावा मुसलसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से सेल के पास इनर्जी रिसोर्सेज में या तो ग्लाइकोजन की डिप्लीशन हो जाती है या ए टी पी की डिप्लीशन हो जाती है तो एज ए रिजल्ट मसल फटीग अपीयर होती है डियर yes, स्टूडेंट्स पास्ट में मसल फटीग के लिए जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर समझा जाता था वो लैक्टिक एसिड की एक्मुलेशन थी हॉ रिसेंट रिसर्चेस दिस फैक्टर इज़ नॉट ए कॉज ऑफ मसल फटीक इसलिए अब हम इस फैक्टर को मसल फैटीक की वजह नहीं समझते